to another vlog. हर जगह मंदिर मंदिर दिख रहा है, मतलब एक मंदिर नहीं है यहाँ, मंदिर के साथ सब टेंपल है। जैसे यहाँ नागपाल जी का मेन मंदिर है। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ स्विच खोलने का व्यवस्था है, बट वो टोकन खत्म हो गया। देखते हैं कहाँ स्विच खोलना है। ये मिल गया, यहाँ पे स्विच रखना है। देखते हैं टोकन मिलता है कि नहीं मिलता। मंदिर के अंदर पहुंच चुके हैं और ये मंदिर का मेन परिसर है। ये देव नागपाल जी हैं। इन्हें कहा जाता है कि इन्होंने इस मंदिर का स्थापना किया था। बहुत खूबसूरत सजाया गया। आज के दिन काफ़ी भीड़ है और यहाँ से हम लोग एंट्री करेंगे। ये सब ऊपर जा रहे हैं, ये सीढ़ी है मेन ऊपर जाने का। आई थिंक रास्ता यहाँ से है। Thank you.
यही नागपाल जी हैं, इस मंदिर का निर्माण यही उन्होंने करा है। चांदी है कि जाने का सीढ़ी है। शादी मिल रहा है
कहा जाता है कि यहाँ धागा बांधने के बाद आप जो भी मन्नत मांगोगे वो पूरा हो जाता है। बहुत खूबसूरत जगह है। कैमरा अलाउ है कि नहीं पता नहीं, बट मैंने बैग में डाल के ले आया। वैसे मुझे तो शूट करना है कि नहीं। श्री लक्ष्मी विनायक मंदिर, संत बाबा नागपुर संग्रहालय, प्रशासनिक कल्याण है, व्रत घर इधर है, यज्ञशाला इधर है। अरे अंदर ही चलते हैं। वाह, बहुत खूबसूरत लग रहा है। वीडियो सी में बैक साइड कमाल का लग रहा है। बहुत खूबसूरत है। सच में दिल खुश हो गया यहाँ आके, पहले कभी आए नहीं थे। ऐसा लग रहा है कि दिवाली का चल रहा है सीजन। कमाल है यार। ये हाथी, हाथी के ऊपर शेर है शायद। ये लाइन कहाँ जा रहा है? लाइन आई थिंक अंदर जा रहा होगा। ये पता नहीं कौन से भगवान है, आई थिंक बुद्धा है, क्योंकि उनका जुड़ा देख के लग रहा है कि बुद्धा ही है। यहाँ कुछ मूर्तियाँ रखी हुई हैं। यहीं से लाइन लगता है। देखते हैं ये लाइन कहीं किधर जाता है।
भी यहाँ से लाइन यहाँ 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 ऐसे लाइन जा रहा है। यहाँ पर भी किसी भगवान का मंदिर है। चना का सब्जी है और देखते हैं क्या मिलता है यहाँ पे। मुझे लगा कि हलवा मिलेगा नहीं बट मिल गया। या फिर प्रसाद खा के तो मजा आ गया। पूरी सब्जी और देसी घी के हलवा वाकई बहुत खूबसूरत है और अच्छा भी लगा। और ये है यहाँ का मेन टेंपल, कमाल का सजाएगा। इसी के बेसमेंट में हम लोग ने भोजन किया था, मतलब क्या वो प्रसाद किया था। तो ये किस चीज़ की मूर्ति है ये पता करते हैं। वैसे लग तो रहा है कि ये माँ दुर्गा का मूर्ति है। और बस अब ये रास्ता हमें बाहर की तरफ ले जाएगा। आई थिंक जितना दिखना था उतना हम लोग देख चुके हैं। वैसे ही टेम्पल वाकई बहुत खूबसूरत है, मुझे पहले भी आना चाहिए था बट मौका नहीं मिला। कहते हैं ना कि जब मैया का बुलावा होता है तभी आते हैं, तो यही बात है। ये भी माँ दुर्गा का टेम्पल है। बहुत सारी यहाँ मूर्तियाँ हैं। मुझे लगता है कि अगर आदमी को पता न चले तो वो तो गुम ही हो जाएगा। कहीं से भी नज़ारा देखो खूबसूरत लगेगा आपको। हर जगह बहुत अच्छे से सजाया गया है। लगभग मैंने सारे टेंपल घूम लिए। नागपाल जी का मेन ये टेंपल है जो ये शिखर दिखाई दे रहा है, ये नागपाल जी का टेंपल है। ये
बहुत ही स्पेशल जगह है और यहाँ आप देख रहे हो कमाल का त्रिशूल है यहाँ पे। ये इतना बड़ा सा त्रिशूल है, ये और ये है इसके बारे में यहाँ इन्फॉर्मेशन है। श्री आदि शक्ति कात्यानी शक्ति पीठ मंदिर ट्रस्ट, बाकी सब लीपापोती हो गया है बट है बहुत अच्छी जगह। अब आगे जाके देखते हैं कि आगे है क्या इसके। वैसे यहाँ पे बहुत अच्छा सजाया गया है, ये मेन मंदिर से अलग है। मेन मंदिर उस साइड है रोड के, मेन मंदिर रोड के उस साइड है और ये दूसरा मंदिर है। और यहाँ वैसे एक एंजल है जो नमस्ते कर रही है। पहले इधर चलें कि इधर चलें? आई थिंक इधर चलना चाहिए, यहाँ चलते हैं। मंदिर का प्रांगण बहुत दूर में फैला हुआ है। एक ये मंदिर है कुत्ते की, इतना बड़ा दरवाजा और ताला भी बहुत बड़ा है यहाँ पे। ओह माय गॉड, बाप रे बाप। ये तालक तेरे की। आई थिंक सोपिस के लिए है। कितना बड़ा ताला है? बहुत दूर में फैला हुआ है। दिल खुश हो गया यहाँ आके। और कल भी सोच रहे हैं कि जाने के लिए कि कल कहाँ जाया जाए, तो सोचेंगे एडवेंचर आइलैंड चलते हैं या फिर रामलीला मैदान चलते हैं, क्योंकि कल दशमी है तो रामलीला मैदान में बाकी कुछ ना कुछ तो होगा ही वहाँ पे। वैसे भी यहाँ बहुत कुछ है देखने के लिए, यहाँ बहुत कुछ है देखने के लिए। यहाँ पे एक बहुत बड़ा घंटा है जो ताले के जस्ट सामने है, जस्ट सामने नहीं है लेकिन जितना ताला भी बड़ा ही है और ये ही बड़ा है। जूम करके देख रहे हैं, देखो बेचारों नाजिया आदमी क्या फटा। सोच रहे रात में यही रुक जाए, धर्मशाला में रुकने का व्यवस्था है। ओह माय गॉड, ये हाथी, ये तो हाथी से भी हाथी बड़ा है, दोनों साइड हाथी।
मातृशरण श्री मातृशरण हिस्ट्री द हिस्ट्री ऑफ द शक्तिपीठ इज द भुवन सूजी हाँ जमा करना पड़ेगा ये यहाँ पार्क को बहुत अच्छे से सजाया गया लाइट से हर जगह लाइटिंग माँ दुर्गा आई थिंक माँ दुर्गा झूले पे है बहुत खूबसूरत लग रहा है माइंड ब्लोइंग अब इधर कुछ तो दिख नहीं रहा है बट देखते हैं आगे देख के बाकी अगर यहाँ आना है तो करीब मुझे लगता है कि 4 से 5 घंटे लेके आना चाहिए क्योंकि इतना एक तो नवरात्र का समय इतना भीड़ है तो प्रॉपरली आप घूम नहीं पाओगे बट कोशिश करते हैं वैसे हम सारा चीज़ कवर कर रहे हैं जहाँ भी जा रहे हैं ये कुछ मंदिर वगैरह नहीं है ये ऐसे ही रहने के लिए बनाया गया यहाँ फ्रिज का पानी है गला सूख रहा वीडियो बन रही है पागल मैं आऊंगा कहीं फेमस हो जाऊंगा तो ये विशाल जी विशाल हनुमान बहुत बड़े बहुत बड़े करीब से जाके देखते हैं ओह माय गॉड ओह माय गॉड ऐसे सीढ़ी पर बहुत भीड़ है और जाने के लिए रास्ता देखना होगा शिट शिट
हनुमान जी माफ करना, मुझे पता नहीं था हम जूता पहन के वहाँ चले गए थे, सो सॉरी। बहुत विशाल है ये, लगभग जितना घूमना था घूम लिए और मुझे लगता है कि हम निकलना चाहिए। 9 बज गए, 9:45 बजे, तो जाने में भी 1.5 घंटा लग जाएगा। यहाँ रोड साइड में मेला जैसा कुछ लगा हुआ है, जैसे ही क्यों